सॉलिड स्फेयर में क्वेश्चन में ये गिवन है, आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, आप खुश हो जाओगे अगर हाँ ठीक है सॉलिड स्फेयर बढ़िया है, मुझे फॉर्मूले आते हैं, किसी काम का फॉर्मूला नहीं है वो, क्योंकि तुम्हें सॉलिड स्फेयर का जब क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें कभी भी एक डेंसिटी देगा ही नहीं, वो आपको दो डेंसिटी देगा, वो कहेगा आधा स्फेयर बना हुआ है या आर स्फेयर बना हुआ है ऑफ डेंसिटी रो वन, और बचा हुआ जो मास है उसकी डेंसिटी क्या है रो टू। अब अगर तुमने वो फॉर्मूले लगाए जो मैंने तुम्हें लिखवाए वो फेल हैं, क्योंकि वो सिंगल डेंसिटी के लिए एप्लीकेबल हैं, डबल डेंसिटी के लिए मत लगाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो दो डेंसिटीज़ हैं, और आपको क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अगर दो डेंसिटीज़ हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी सरफेस पे और इसकी सरफेस पे बराबर है, जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे बराबर है, तो बताओ डेंसिटीज़ की रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पर जी निकालते हैं, स्मॉल जी का फॉर्मूला बोलो, स्मॉल जी अगर यहाँ निकालना है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है 2r, तो स्मॉल जी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये पूरे का पूरा स्फीयर कंट्रीब्यूट करेगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, जी दोनों के मासेस अंदर और बाहर के मासेस डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? टोटल मास लेना है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है उस आउटर सरफेस का 2r है। अब मास जो m1 है यहाँ पे, वो यहाँ का वॉल्यूम इंटू यहाँ की डेंसिटी है, और जो m2 यहाँ का मास है वो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटू डेंसिटी है। तो मास m1 m2 आ गया डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? मासेस की वैल्यू पुट कर दी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे निकालने स्मॉल जी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है कैपिटल R, और यहां पर स्मॉल जी में कौन सा मास कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ और सिर्फ m1 कंट्रीब्यूट करेगा, बाहर का मास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला जी m1 बाय कैपिटल R, m1 की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट और सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, और अगर सेम है तो करते रहना कैलकुलेशन और निकाल लेना, सब कट जाएगा, डेंसिटी की रेशियो निकाल लेना, आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर मिलेगा या आपको क्वेश्चन शीट के अंदर, पर मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्या पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? लॉजिक समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन आप ही नहीं करनी है, आपके रास्ते में आएगा, शीट में गिवन है, पर आपने ऐसे करना है। ठीक, दूसरा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो लैंग्वेज है ना ये तो पढ़नी सीख लो, ये तो मेंस वालों को बहुत ज़रूरी है, वो ऐसे ही बताएगा। देखो वो डायग्राम बिल्कुल नहीं देगा, वो ये स्टेटमेंट बोलेगा, वो कहेगा एक नॉन होमोजीनियस स्फीयर है, मतलब कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का तो है नहीं, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि डी इज इक्वल टू डी नॉट, डेंसिटी डी जो है वो डी नॉट है, कब, जब आर की वैल्यू ए बाय 3 से लेस देन इक्वल टू है। तो मान लो आपका एक स्फेयर है, ए नाम का स्फेयर है, और आपकी डेंसिटी कितनी है, ए बाय 3 तक डेंसिटी डी नॉट है, तो अगर मैं ये नीला रंग का स्फेयर बनाऊँ तो ये रेडियस कितना है, ए बाय 3, तो यहाँ पर ए बाय 3 पे डेंसिटी कितनी है, डी नॉट है, राइट, पहला स्फेयर बन गया। फिर वो कह रहे हैं डी नॉट बाई 2 है, डेंसिटी चेंज हो गई, अगर आपका डिस्टेंस ए बाय 3 से ए तक है, तो ए बाय 3 से ए तक, ये देख रहे हो ब्लू और इस पिंक के बीच में पूरी की पूरी डेंसिटी कितनी है, डी नॉट बाई 2 है। क्या ये फिगर बना पाओगे? बनानी पड़ेगी आपको, ये स्टेटमेंट पढ़ के ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल नहीं है, बहुत क्लियर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ई, निकालना है कहाँ, एट डिस्टेंस ए बाय 2। अब ए बाय 2 कहाँ हो गया, ये तो रहा a बाई 3, ये रहा a, अब a बाई 2 a बाई 3 से बड़ा है और a से छोटा है, तो चलो ये मैंने डॉटेड ले लिया, ये डॉटेड क्या है, a बाई 2, और मुझे यहाँ पर e निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है कहाँ e निकालना है? तो अब अगर तुम ये कहो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मेरे को फॉर्मूला आते हैं, तुम फॉर्मूला करोगे क्या यूज़ करके, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला तो सिंगल डेंसिटी पे चल रहा है, डबल डेंसिटी पे तो लगाना भी मत इसे, तो मत करना। तो तुम क्या करना है इसमें, इसके अंदर आपको, नहीं ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, तुम चला सकते हो, पर तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डेंसिटीज जो है दिक्कत ना हो, चेंज हो रही है। तो इसमें a बाई 2 पॉइंट पर अगर आपको e निकालना है, तो मेरे को तो एक ही चीज़ आती है कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ किसी भी स्फीयर के अंदर, तो वहाँ का नीचे का मास e में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है बस। तो मतलब यहाँ पर जो e की वैल्यू होगी उसके अंदर ये सारे का सारा मास कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? तो ई का फॉर्मूला ए बाई 2 पे क्या बनेगा, जी
एम बाई ए बाई टू का स्क्वायर, सिंपल ए बाई टू डिस्टेंस में निकालना है तो ए बाई टू का स्क्वायर, और एम क्या चीज़ है, ये शेडेड मास क्या है, एम एम, क्लियर। अब अगर मैं मास निकाल दूं आंसर आ जाएगा, चलो मास निकाल लेते हैं। मास क्या होगा, मास होगा एक तो इसका मास होगा, ये मास होगा, ये मास क्या है, इसका वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई ए बाई टू थ्री का क्यूब है, ये क्यूब 4 बाई थ्री पाई ए बाई थ्री का क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी है, डी नॉट, पहला स्टेप। फिर उसके बाद ये भी मास ऐड करना पड़ेगा। अब ये मास कैसे निकलेगा, या आउटर मास कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम को डेंसिटी डी बाई टू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो भी मास आएगा उठा के पुट कर देना ऑब्जेक्टिव शीट पी वाई क्यू में, ये भी क्वेश्चन होगा कैसे करना है, आपको आइडिया समझ में आ गया। तो जब आप होमवर्क करेंगे तो रास्ते में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको हिंट पता होगा, आप फटाफट लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टोटल मास, मास किसका निकाल रहे हो, ये पूरे का पूरा मास निकाल रहे हो, इसमें इसका मास भी है और इसका मास भी है, इसका मास इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसका मास इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद जो सॉलिड स्फीयर है, इसी की एक और बहुत सही एप्लीकेशन है, पता नहीं कितनी बार पेपर में आती है, उसको एक बार देखते हैं। ये रे, बहुत बार, मतलब आपको ये, आप कोई भी पुराने पेपर खोल के देख लें, ऐसी फिगर तो पक्का दिखेंगी जिसमें स्फीयर में से स्फीयर काट के फेंक दिया, सेंटर ऑफ मास में भी देखने को मिली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और अब इसके अंदर भी ग्रेविटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, स्फीयर में से स्फीयर काट के फेंक दिया और ये पॉइंट मास है, रिमेनिंग स्फीयर ने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाई, ये क्वेश्चन है, बचे हुए स्फीयर ने क्या फोर्स लगाई, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आएगा, प्लस टू में भी, और मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, पांच बार आता है, ये टेक्निक एक ही है। तो ये देखो, आपके पास एक स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, आपने क्या किया, इसमें से एक पोर्शन काट दिया आर बाई टू का और फेंक दिया, ये पूरे का पूरा स्फीयर का मास एम था, और यहाँ से इसके सेंटर से छोटे एम डिस्टेंस दूर डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास पड़ा हुआ था। तो अगर आपने इसको काट के फेंक दिया तो बचा हुआ स्फीयर इसके ऊपर क्या लगाएगा, कोई फोर्स, वो फोर्स क्या होगी, ये क्वेश्चन है। लॉजिक बताओ, शुरू कहाँ से करें, क्या करें, मास निकाल लिया, चलो आर बाई टू का मास निकल गया, नेक्स्ट ना कौन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मास तो निकाल लोगे, फोर्स कैसे निकलेगी रिमेनिंग, पहले क्या करूं, सेंटर ऑफ मास से नहीं, सेंटर ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, टोटल में से, सही है, मतलब पहले मैं पूरे स्फीयर की यहां फोर्स लगा लूंगा, मान लो वो अट्रैक्टिव फोर्स है 10 न्यूटन मान लो, फिर मैं सिर्फ जिस स्फीयर को काटना है, वो भी तो एक स्फीयर है, उस स्फीयर की फोर्स निकाल लूंगा, मान लो 2 न्यूटन, अब क्योंकि इसको तो काट के फेंक दिया तो 2 न्यूटन फेंक दो, 10 में से 2 गया 8, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। करते हैं कैसे, तो सबसे पहले आप इसको छोड़ो, पूरे स्फीयर की बात करो, पूरे स्फीयर का मास एम है और सेंटर से छोटे मास की डेंसिटी क्या है, डी है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी एम एम बाई डी का स्क्वायर, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, जी एम एम बाई डी का स्क्वायर, ठीक, इससे संभाल के रखो, और इसके अंदर सारा मास है, अभी कुछ नहीं काटा। फिर मैं उस आर बाई टू वाले का पहले मास निकाल लूं, वैसे ओरली निकालना आता है आपको मास अपॉन वॉल्यूम करके, पर चलो वैसे क्योंकि मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब है पूरे स्फेयर का, तो मास एम है, 1 है तो मास अपॉन वॉल्यूम है, और मैंने जो स्फेयर काट के फेंका उसका रेडियस आर बाई टू है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, एम बाई एट, ये स्टेप भी क्लियर है, मास आ गया एम बाई एट। अब ये देखो, ये जो स्फेयर है एम बाई एट वाला, ये रहा, ये इस स्फेयर की बात कर रहा हूँ, इस स्फेयर का मास कितना है, एम बाई एट, वो एम बाई एट मास कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो यहां से यहां के बीच में फोर्स निकालनी पड़ेगी। अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस आर बाई टू है, तो ये क्या बनेगा, डी माइनस आर बाई टू,
तो जब तुम इसकी फोर्स निकालोगे तो डी मत लेना, डी माइनस आर बाई टू लेना। तो ये देखो यही किया हुआ है, आप डायग्राम के अंदर चेक कर सकते हो, ये स्फेयर है छोटे वाला, इसके सेंटर से डी माइनस आर बाई टू। अब इसका मास कितना है, एम बाई एट, तो एम बाई एट और एम के बीच में फोर्स क्या है, जी इंटू एम बाई एट इंटू एम डिवाइडेड बाई डी माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, पहले पूरे स्फेयर का क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल ली, फिर मैंने स्मॉल स्फेयर की फोर्स निकाल ली, पर स्मॉल स्फेयर को तो काट के फेंका जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़े स्फेयर की फोर्स में से कटे हुए स्फेयर की फोर्स को माइनस करके बचे हुए स्फेयर की फोर्स निकलेगी। अब जब ये क्वेश्चन पी वाई क्यू में आएगा, एक और समस्या होगी, उसमें चार ऑप्शंस ऐसी गिवन होंगी, तो तुम्हें ये सिंप्लीफाई करके मैच करना पड़ेगा, माइनस करके ऐसा कुछ ऑप्शन बनाना है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कि क्या आपने सुपर पोजिशन, अब क्योंकि तीन चार क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसमें स्फेयर कटिंग वाले, और ये मतलब नॉर्मली स्फेयर्स में ही काम करता है, क्योंकि ये जो शेल थ्योरम्स हैं वो स्फेयर के लिए वैलिड हैं, तो ज़्यादातर फिगर आपको स्फेयर ही गिवन होती हैं। तो स्फेयर में से दो स्फेयर काट देगा, कभी एक काट देगा और बची हुई फोर्स निकालेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या लगाना है इसमें, कोई डाउट इसमें?